अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली गाइस। आज हम लोग बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक को बनाएंगे और ये यमी यमी से ड्रिंक जो है स्ट्रॉबेरी के सीजन में एंजॉय करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छी लगेगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दावत हबको करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। ये रमज़ान मुबारक में भी स्ट्रॉबेरी के डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शेक्स एंड ड्रिंक्स जो है वो हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर ले लिया है जी मैंने दूध। ठीक है, दूध ले लिया मैंने 2 ग्लास। उसमें अब हम लोग ऐड कर लेते हैं अपनी 3 चम्मच के करीब है मेरे पास शुगर। ये है मेरे पास खुश्क दूध। ये मैं इसमें सारा ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून। ठीक है, 1 चम्मच भरकर हम लोग इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर का। बस 1 बॉल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी को हमने डाल दी है, चीनी को डाल दी है और खुश्क दूध को डाल दिया है। ठीक है, इसको अब हम लोग तक हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ग्राइंड कर लेने के बाद ये हमारा शेक रेडी है। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो है जी आइसक्रीम। चलिए जी हम लोगों ने आइसक्रीम, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आइसक्रीम ले सकते हैं। आप लोग वनीला ले सकते हैं, इसमें आप लोग स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जो आइसक्रीम आपको पसंद हो वो ले लें आप। यहाँ पर मैंने एक छोटा बॉल जो है वो आइसक्रीम के ले लिया और ये जो आइसक्रीम है इसको अब हम लोग अपने शेक में ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे जो हमारी आइसक्रीम है वो हम लोग, ये आइसक्रीम ऐड करने से जो शेक है बहुत ज़्यादा यमी बनेगा ठीक, और इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्त और बड़ा डिफरेंट किस्म का आएगा। आइसक्रीम इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे और आइसक्रीम ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर चला लेते हैं। हमारा शेक माशाल्लाह से बनके बिल्कुल रेडी हो गया, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के देखते हैं कि ये कैसा शेक बनके रेडी हो गया। अब हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं अपने ग्लासेस में, खाना है विद आइसक्रीम विद ड्राई मिल्क, और फिर मुझे बताना है आपको कैसे लगा है। शेक में हमेशा दूध फुल फैट वाला यूज़ किया जाता है और फुल फैट वाला ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारा स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप लोग पीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, खुद भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए और दावत आपको ज़रूर याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।